बैक टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो टाइटल से देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू। तो द प्रोडक्ट नेम इज वासु कुमकुमादी तैलम एंड दिस इज द प्रोडक्ट। दिस इज बाय द ब्रांड वासु। जब से मैंने इनका हेयर मास्क एंड इनके ब्रांड के जो बाकी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, आई एम टोटली बिकम फैन ऑफ दिस ब्रांड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर रेटेड ब्रांड आई थिंक, बिकॉज इसके बारे में लोगों को पता नहीं है और इसको शायद लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, आई एम नॉट श्योर। बट मैंने इसको पहले कभी इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करे थे। बट जो मेरा हेयर मास्क है, मेरे दो बॉटल्स फुल टब्स जो हैं वो मेरे ख़त्म हो चुके हैं, और दो और मैंने खुद के अपने पैसों से, क्योंकि वो तो मेरे पास कोलैबोरेशन के थ्रू आए थे, बट इसके अलावा भी मैंने खुद से दो टब ऑफ दैट मास्क मैंने ऑर्डर किया है। इतना ज़्यादा मुझे वो पसंद आया था। तो अभी तक जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इनके यूज़ करे हैं, आई रियली यू नो लव द प्रोडक्ट्स, और मुझे पसंद आते हैं इनके प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा इनका प्रोडक्ट आपकी स्किन पे, आपके हेयर पे बहुत अमेजिंगली वर्क करे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। सो ये इस तरह के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। इसमें मेंशन है कि इसमें 0% मिनरल ऑयल्स, पैराबेंस एंड डाई इंक्लूडेड है, और ये 25 ml की बॉटल आती है। देन यहाँ पर आप पीछे आएंगे तो यहाँ पर डायरेक्शंस ऑफ यूज एंड एवरीथिंग इज गिवन। यहाँ पर इनके स्पेशल इंस्ट्रक्शंस गिवन है। कमिंग टू द बैक ऑफ द प्रोडक्ट, तो यहाँ पर प्राइस मेंशन है। तो ये एक्चुअली में 550 rupees का आता है। सो आई थिंक एवरीथिंग इज मेंशन इन द पैकेजिंग इटसेल्फ। आपको इनकी वेबसाइट ओपन करके सब चीज़ें चेक नहीं करना पड़ेगा। देन जब हम पैकेजिंग ओपन करते हैं तो इस तरह से एक बॉटल निकलता है। तो ये है कुमकुमादी तैलम का बॉटल, एंड साथ ही साथ इसमें एक ड्रॉपर निकलता है। सो विच इज़ अ गुड थिंग। आपको कभी भी इस तरह के सेरम्स और ऐसा कुछ लगाना होता है तो आई थिंक ड्रॉपर इज अ मस्ट। Now coming to the product consistency, तो ये तो इसका जो फ्रेग्रेंस है, इट्स लाइक आप जो ये जो आयुर्वेदिक वाले जो स्पा सेंटर्स नहीं होते, लाइक नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट देयर सम स्पा सेंटर जहाँ पर केरला थेरेपी के अकॉर्डिंग, आयुर्वेदिक थेरेपी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दी जाती हैं, उस तरह की वहाँ पर जब आप एंटर करते हो ना, तो उस तरह की बहुत अच्छी सी सैफ्रेनी काइंड ऑफ इसका जो फ्रेग्रेंस है वो है। एंड उसका टेक्सचर डेफिनेटली रनी है, बट लगाने पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आई हैव अप्लाइड समथिंग वेरी थिक ऑयल और सम थिक क्रीम। तो इनके जो इंस्ट्रक्शन ऑफ यूज़ है उसमें ये मेंशन है क्लियरली कि आपको उसको लगाने के बाद 30 मिनट्स के बाद वॉश ऑफ कर लेना है। एंड अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए देन यू कैन गो फॉर यू नो पूरा आप रात भर भी इसको लगा के रख सकते हैं। बट फॉर ऑयली स्किन पीपल लाइक माई काइंड ऑफ स्किन टाइप, आई हैव ऑयली स्किन, और अब तो समर्स आना स्टार्ट होने वाले हैं, सो वॉट आई सजेस्ट यू कि आप इसको सिर्फ वॉश करके अपने चेहरे पे लगाइए, एंड देन लगाने के बाद इसको 30 मिनट्स रखने के बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। तो बेसिकली इसका नाम है एज रिवाइटलाइजिंग। तो जैसे जैसे जब एजिंग होना स्टार्ट होती है तो हमारे स्किन पे छोटे छोटे से फाइन लाइंस, रिंकल्स, एक्ने स्पॉट्स, देन नॉर्मल पिगमेंटेशन, लाफ लाइंस, ये सब बहुत ज़्यादा विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है। ऑब्वियसली वी कांट रन अवे फ्रॉम दिस एजिंग प्रोसेस, दिस इज एब्सोल्युटली नेचुरल, और ये आपको आज नहीं तो कल आना ही आना है। बट वॉट यू कैन डू इज कि आप इसको थोड़ा सा अच्छा रिजीमे यूज़ करके इसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। कुमकुमादी तैलम हैज़ बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयुर्वेदिक रेसिपी, और ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट रहा है इंडियन ब्यूटी ट्रेडिशनल का। इसका जो मेन इंग्रीडियंट है वो है सैफ्रन, साथ ही साथ इसमें 22 तरह के हर्ब्स मिले हुए हैं, लाइक यष्टि मधु, मंजिष्ठा, हरिद्रा, दरु हरिद्रा, कमल एक्सेट्रा। सो यू नो इस तरह के काफ़ी सारे हर्ब्स इसके अंदर मिले हुए हैं, और इसके साथ जितने भी दूसरे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब प्रोसेस्ड किए हुए हैं सेसमे ऑयल एंड मिल्क में टू गिव यू अ यूथफुल लुकिंग स्किन। नाउ कमिंग टू द मेन फीचर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये एक्चुअली में करता क्या है आपकी स्किन पे। नाउ नेक्स्ट आते हैं कि इस प्रोडक्ट को आपको आपकी स्किन पे यूज़ कैसे करना है। मैं एक छोटा सा डेमो यहाँ पर मेंशन कर दूंगी सो दैट आपको इजीली पता चल जाए कि इसको आपको कैसे अपने स्किन पे लगाना है। जेंटल क्लेंजर से वॉश करने के बाद आपको रात में सोने से पहले इसको अपने स्किन पे लगाना है, तो आप ऐसे ड्रॉपर की हेल्प से लगा सकते हैं, एंड देन आपको अच्छे से मसाज करते हुए सर्कुलर डायरेक्शन में आपको इसको लगाना है ताकि ये स्किन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। स्टार्टिंग में आपको ये काफ़ी थिक लगेगा, बट आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ मसाज ये आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में, एंड आफ्टर 30 मिनट्स आपको इसको वॉश कर लेना है, एंड आप चाहें तो रात भर भी लगा के रख सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स।
So yeah, that's it for my video. If you want to buy this product, the link will be given in the description box. And I hope you find this video a little helpful for you. If you do so, then do not forget to hit the like button and subscribe to my channel and comment down below. And I'll meet you in my next video. Till then, bye.